अनुपमा आप तो रखिए अपना खास ख्याल, कोविड वायरस से भी और अपनी लाइफ के उन सब वायरस से जो खड़ी करते हैं आपकी लाइफ में परेशानियां। तो किस हाल में हैं आज अनुपमा, कौन सा नया ट्विस्ट आया है इनकी कहानी में, आइए देखें। अनुज के लिए अनुपमा का श्रृंगार। अनुपमा के लिए अनुज हो रही है तैयार। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा और अनुज की शादी क्या तय हुई। दोनों तो शादी से पहले ही एक दूसरे के बारे में बहुत सोचने लगे हैं, ख्याल रखने लगे हैं। अब जरा देखिए तो अनुपमा को कैसे अनुज के लिए वो अपना साज श्रृंगार कर रही हैं, वो भी उसी गजरे से जो अनुज ने उनके लिए भेजा है तोहफे में। वहीं दूसरी ओर अनुज भी तैयार हो रहे हैं अनुपमा से मिलने के लिए, और अनुपमा ने शादी से पहले ही अपना पत्नी धर्म निभा दिया अपने होने वाले पति के लिए थर्मस में चाय भेजकर। यहाँ अनुज और अनुपमा का प्यार परवान पर चढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर घर वाले परेशान हैं इस रिश्ते को लेकर। और सबसे ज्यादा परेशान है तोशु, क्योंकि ना सिर्फ उसे उसके दोस्तों ने ताने मारे बल्कि अनुज और अनुपमा के रिश्ते के चलते उसके हाथों से नौकरी भी निकल गई। हालांकि अनुपमा तोशु का सहारा बनने जाती तो है, लेकिन तोशु की नाराजगी ऐसी कि वो अपनी माँ की सुनना ही नहीं चाहता। जानती हो तुम मुझसे नाराज है? रहने दीजिए मम्मी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं। अरे माँ कभी भी बच्चों से नफरत नहीं कर सकती, भले बच्चे उससे नफरत क्यों ना करें। माँ नाराज भी होती है ना, तो वो भी दिल पे पत्थर रख। देख मैं समझ सकती हूँ कि नौकरी चली जाती है तो कैसा लगता है, जानती हूँ, पर तू चिंता मत करो बेटा, तू काबिल है, मेहनती है। और कान्हा जी का नाम लेकर अगर तबीयत से पत्थर भी उछालो ना, तो वो भी आसमान में सुराख कर देता है, तो फिर ये तो नौकरी मिलने की बात है। सब तेरे साथ है तोशु। खैर अनुपमा तोशु के कहने पर वहां से चली तो गई, लेकिन उसका फैसला अटल है। अब चाहे घर वाले रूठे या फिर उसके बच्चे, वो तो अनुज के साथ शादी करके रहेगी। फिलहाल तो सेट पर सेलिब्रेशन का मौका है, और हो भी क्यों ना, अनुपमा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली का रियल में हैप्पी बर्थडे जो है, और इस बार सेट पर वो पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। और उनके इस बर्थडे सेलिब्रेशन में अनुपमा की पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ साथ प्रोड्यूसर राजन शाही भी मौजूद हैं, और साथ ही गौरव खन्ना के मम्मी पापा भी आए हैं रूपाली गांगुली को बधाइयां देने। बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज जब पहला 2020 हाँ उस वक्त लॉकडाउन था, तब ये इन 2020 में लॉकडाउन था तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया, घर में ही मेरे बेटे ने मेरे लिए केक बनाया था। उसके बाद फिर 2021 में मुझे कोविड था तो मैं किसी से नहीं मिल पाई थी, बेटे ने वो घर के नीचे केक काटा था, एंड यू नो, तो एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट सेलिब्रेशन आफ्टर द होल कोविड थिंग एंड दिस एंड दैट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी यूनिट है, राजन जी आए हैं, रोमी सर आए हैं, एंड गौरव के पेरेंट्स भी आए हैं, सो एक फैमिली वाली फील भी है। पता नहीं मेरे पति और बच्चा क्यों नहीं आए, आई होप सो। कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट जो मैंने पूरा किया बर्थडे के लिए आपका, कैसा लगा आपको?
Did you like it? मुझे पता है मैं पहले नहीं था दो साल, अब मैं जब आया तो मैं सोचा कि यार अनुज इतना तो कर ही सकता है अनुपमा के। अच्छा, it's because of you, my birthday special. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं क्या कहूँ, क्या ही करूँ, अच्छा लगा। मुझे पहले पता होता मैं पिछले साल भी करा लेता, लेकिन मैं शो में नहीं था। कोई बात नहीं, अगले साल करा दूंगा फिर, अगर थैंक यू पक्का याद से तो शो में। तब तक इट्स सो स्पेशल दैट दे हैव कम टुडे एंड एट लीस्ट यू नो लाइक पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होनी बहुत जरूरी है एंड हम लोग की ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी। और इतना अच्छा लगता है मुझे जब आपके डायलॉग सुनता हूँ। अच्छी हो, इतनी अच्छी एक्टिंग एंड तुम दोनों की इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतना अच्छा मम्मी को मैं अकेले कभी लगा नहीं, तुम्हारे साथ ही अच्छा लगा है। जो अनुपमा है वो रूपाली नहीं है, जो रूपाली है वो अनुपमा नहीं है, भी नहीं है। रूपाली को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिंदगी भर ऐसी ऐसी और ऐसी मुस्कुराती रहे बस। साल मतलब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे पापा ने तो बहुत धूमधाम से मनाते थे, फिर बाद में स्लोली से कम हो गया। फिर मेरे हस्बैंड यूज़ टू ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थ्रो पार्टीज फॉर मी एंड भले ही लाइमलाइट में नहीं थी, लेकिन बर्थडे बहुत ही स्पेशल और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।